अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, चैप्टर वही क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला चल रहा है। ठीक, तो क्रोमोसोम्स की टाइप्स की बात करें तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स कुछ क्या कहलाते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स ये वही होते हैं जो सोमेटिक सेल में मौजूद होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स हमेशा ये सेक्स सेल में होते हैं, एग और स्पर्म में आ जाते हैं। तो सेक्स सेल कौन कौन सी हैं, एक्स और वाई है। तो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है और मेल में क्या होगी, और एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होगा। तो क्रोमोस यहाँ पे हम जब क्रोमोसोम्स के टाइप्स को पढ़ें तो स्ट्रक्चर्स के हवाले से, तो स्ट्रक्चर्स के हवाले से हमेशा क्रोमोसोम्स कितनी किस्म के हैं, चार किस्म के हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इक्रोसेंट्रिक और क्या टीलोसेंट्रिक है। तो सबसे पहले अगर हम आ जाए इसकी स्ट्रक्चर्स की तरफ, तो क्रोमोसोम्स हमेशा ये कैसे होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इनके दरमियान में क्या मौजूद होगी, सेंट्रोमेयर मौजूद होगा और यहाँ पे इसके आर्म्स होते हैं, यानी ये पार्ट्स इसके क्या कहलाते हैं, आर्म्स कहलाते हैं, और ये पोर्शन क्या कहलाएगा, सेंट्रोमेयर कहलाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमेयर एक प्रोटीन से मिलकर बना है, उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। मीन काइनेटोकोर क्या चीज है, एक प्रोटीन का नाम है जिससे क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमेयर बनेगा। ठीक, अब क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जब हम क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स को देखें तो स्ट्रक्चर्स के लिहाज से तो क्रोमोसोम्स चार किस्म के हैं। तो एक क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक, दूसरे को कहते हैं सब मेटासेंट्रिक और तीसरा कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक और लास्ट कहलाएगा टीलोसेंट्रिक। यानी या स्ट्रक्चर के लिहाज से या सेंट्रोमेयर की पोजीशन के लिहाज से क्रोमोसोम्स चार किस्म के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इक्रोसेंट्रिक और क्या टीलोसेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी है, अब इसमें क्या होगा, सेंट्रोमेयर बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, ऊपर और नीचे के आर्म्स दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये जो मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स की शेप कैसी होगी, ये हमेशा वी शेप के होते हैं, यानी इस तरह में अगर बना रहे ये तो इसका सेंट्रोमेयर है, तो ये इस तरह के होते हैं, इस तरह इसकी जो है शेप होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ये किस तरह के होते हैं, वी शेप के होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक, अब सब मेटासेंट्रिक में क्या है, तो ये सेंट्रोमेयर जरा थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर वाले आर्म्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और नीचे वाले आर्म्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सब मेटासेंट्रिक है इसकी शेप कैसी है, ये एल शेप का होता है, यानी हम कहते हैं अब ये इसकी जगह सेंट्रोमेयर है, अब ये इसके आर्म्स हैं, और ये कैसा होगा, इस तरह जो है एल शेप का होगा। ठीक है, इसकी शेप कैसी है,
या तो हम क्या कहते हैं एल शेप का है, या तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये कैसे जे शेप का है। ठीक, अब हम आते हैं एक्रोसेंट्रिक की तरफ। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर टॉप में मौजूद होगा लेकिन थोड़ा सा नीचे, यानी नीचे वाले आर्म्स बिल्कुल बड़े होते हैं और ऊपर वाले आर्म्स क्रोमोसोम्स के बहुत ही छोटे होते हैं। इन आर्म्स को हम क्रोमाटाइट्स भी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, क्रोमाटाइट्स भी कहते हैं। लेकिन जो इक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स है, ये कैसे होगा, ये बिल्कुल किस तरह होगा, रॉड की तरह होगा, इसकी शेप रॉड की तरह होगा। ठीक है, टीलोसेंट्रिक में क्या है, टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप्स में मौजूद है और क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स हैं या क्रोमाटाइट्स हैं वो नीचे, इसके ऊपर कोई भी क्रोमाटाइट्स मौजूद नहीं होते हैं। और ये टीलोसेंट्रिक भी ये कैसे होते हैं, ये रॉड शेप के होते हैं, ये इस तरह, ये भी कैसा है, एक रॉड शेप है। और ये कैसे होते हैं, एल शेप या जे शेप के होते हैं, और ये कैसे होते हैं, वी शेप के होते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर्स के लिहाज से या सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स चार किस्म के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इक्रोसेंट्रिक और क्या टीलोसेंट्रिक। ये चार टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रो पोजीशंस ऑफ सेंट्रोमियर।